Assalamu alaikum friends, I am your host Ashi Khan. How are you people doing? I hope you are all happy and healthy in your lives. So friends, when a person moves from his country to another country for a long time period or permanently, we call him immigrant. There may be the purpose of good job or any other reason. These immigrants face great problems while adjusting in a new environment in sense of communication, as they are may living different communities with different languages to interact with each other. As you know, English is an international language, and at this time English language is just like a bridge. So friends, today we will learn 50 more than 50 new sentences in English, which will help an immigrant as well as local people also to communicate easily and correctly. Let's start now. So when you reach your destination in another country, you will first of all inform your family in a sense of a sentence like this. You say, I have just arrived. Main pahunch gaya hoon, I have just arrived. Log hawai adde par ja rahe hain. People are going to airport. People are going to airport. Next is, अगर आपको बहुत ज़्यादा काम है तो आप कैसे कहेंगे आपको बहुत ज़्यादा काम है? आप कहेंगे I have much work to do. मुझे बहुत काम है. I have much work to do. इसी तरीके से जब आप किसी को डिस्टेंस बता रहे हैं, आप इस तरह से बोलेंगे 10 miles is a long distance. कोई बहुत दूर का डिस्टेंस है तो आप कहेंगे 10 miles is a long distance. उसकी जगह 15 miles हो सकते हैं, 20 miles हो सकते हैं. इस सेंटेंस को आप इस तरह से यूज कर सकते हैं. There are no women in this office. आप किसी को बता रहे हैं इस ऑफिस में कोई औरत काम नहीं करती है, तो there are no women in this office. आप जिस जगह रह रहे हैं वहाँ अगर फर्नीचर नहीं है या कोई चीज़ मौजूद नहीं है, तो आप किस तरह से बताएंगे उस कमरे के बारे में? आप कहेंगे दिस रूम हैज़ नो फर्नीचर. या अगर उसमें पर्दे नहीं है तो आप कहेंगे दिस रूम हैज़ नो कर्टन्स. सिमिलरली आप कोई भी नाम, कोई भी चीज़ इस तरीके से बता सकते हैं जो कमरे में मौजूद ना हो. आपके बॉस ने आपको काम दिया है, काफ़ी ज़्यादा वर्क आपको दिया है, तो आप किस तरीके से किसी को बताएंगे? माई बॉस गिव मी मैनी पीसीस ऑफ वर्क, या मैनी. और अगर उसने आपको बहुत सारी नसीहतें की हैं तो आप कहेंगे माई बॉस गिव मी मैनी पीसीस ऑफ एडवाइस. इसी तरीके से किसी को बहुत ज़्यादा काम है तो आप उसे ये कहेंगे यू हैव मैनी पीसीस ऑफ वर्क टू डू. तुम्हें बहुत ज़्यादा काम है, तुमने बहुत काम करना है. इसी तरह अगर आपको घर पे कोई ज़रूरी काम है तो आप किस तरह कहेंगे कि मुझे घर पर एक ज़रूरी काम है? आप कहेंगे आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ बिजनेस एट होम. आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ बिजनेस एट होम. मैनी मशीन्स वर इम्पोर्टेड. बहुत सी मशीनें इसमें इम्पोर्टेड थी. मैनी मशीन्स वर इम्पोर्टेड. और अगर हैं तो आप कहेंगे मैनी मशीन्स आर इम्पोर्टेड. किसी किताब या किसी चीज़ की कीमत आप बताना चाहते हैं तो आप किस तरह बताएंगे? आप कहेंगे द प्राइस ऑफ दिस बुक इज़ 50 rupees, या 100 rupees, या 150 rupees, या जितनी भी उसकी प्राइस हो. आप कहेंगे द प्राइस ऑफ दिस बुक, या दिस स्केल, या दिस चेयर. कोई भी चीज़ जिसकी आप कीमत बताना चाह रहे हैं तो कीमत और चीज़ का नाम जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं इस सेंटेंस में. वन शुड लव वंस पेरेंट्स. जो शख्स वहाँ बैठा था वो मेरा भाई था. हम किसी को बताना चाह रहे हैं वहाँ बैठा हुआ शख्स मेरा भाई था, तो हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे द मैन हु वॉज सिटिंग देयर इज़ माई ब्रदर. वॉज माई ब्रदर, या मेरा भाई है जो बैठा है तो इज़ माई ब्रदर लगेगा. ठीक है, वो मुझसे पहले पहुँच गई. शी रीच प्रियर टू मी. वो मुझसे भी पहले पहुँच गई. वो मुझसे जूनियर है. He is junior to me. वो मुझसे junior है. आप किसी की जगह काम कर रहे हैं और कोई आपसे junior है, आप किसी को बताना चाहते हो तो आप कहेंगे He is junior to me. और अगर कोई senior है तो कैसे कहेंगे? He is senior to me in service. वो service में आपसे ज़्यादा पहले से मौजूद है, या आपसे senior है, rank उसका high है, तो आप कहेंगे He is senior to me in service. वो मेरा बड़ा भाई है.
ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, और अगर वही आपका छोटा भाई हो तो आप कहेंगे ही इज़ माई यंगर ब्रदर। बड़ा भाई एल्डर ब्रदर, छोटा भाई यंगर ब्रदर। इसी तरह अगर बहन है तो बड़ी बहन एल्डर सिस्टर, छोटी बहन यंगर सिस्टर। वो मुझसे बड़ी है, शी इज़ ओल्डर देन आई। है ही इज़ क्लेवरर देन आई, वो मुझसे ज़्यादा तेज़ है, मुझसे ज़्यादा चलाक है। ही इज़ क्लेवरर देन आई। उस कमरे में कुछ लड़के हैं, देयर आर फ्यू बॉयज़ इन द रूम। उसने चाय में चीनी, थोड़ी सी चीनी शामिल की। शी पुट अ स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ शुगर इन द टी, ठीक है, शी पुट अ स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ शुगर इन द टी। वो बहुत थक गई थी काम करने के लिए। आप किसी को बता रहे हैं या वो बहुत थक गई है कि काम करने के लिए, तो आप कैसे कहेंगे शी इज़ टू टायर्ड टू डू एनी वर्क। कोई भी काम अब वो नहीं कर सकती, बहुत थक चुकी है। वो इंग्लिश बहुत ही फ्लुएंटली बोलता है, बहुत आराम से इंग्लिश बोल लेता है, उसको उसका फ्लो बहुत अच्छा है, तो आप कैसे कहेंगे ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। वो किस किस्म का आदमी है, व्हाट काइंड ऑफ मैन इज ही, व्हाट काइंड ऑफ मैन इज ही। ये है वो आदमी जिसने हमारी मदद की थी, इसको आप कैसे बोलेंगे, दिस इज़ द मैन हु हेल्प्ड अस, दिस इज़ द मैन हु हेल्प्ड अस। नेक्स्ट इज ही गॉट एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक, या ही गॉट एम्प्लॉयमेंट इन द मॉल, या ही गॉट एम्प्लॉयमेंट इन द ऑफिस या शॉप, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें कि उसको उस जगह पे जॉब मिल गई है। उसने मुझे एक उदास कर देने वाली या एक गमगीन खबर सुनाई, ठीक है, तो आप कैसे कहेंगे ही गेव मी अ सैड न्यूज, ही गेव मी अ सैड न्यूज। ही हैज़ बिन लिविंग इन इंग्लैंड सिंस 2005। अब आप किसी के बारे में बता रहे हैं कि वो इंग्लैंड में 2005 से रह रहा है, ही हैज़ बिन लिविंग इन इंग्लैंड सिंस 2005। तो अगर आप इंग्लैंड की जगह किसी और कंट्री का जिक्र करना चाहेंगे तो आप उस कंट्री का नाम लिखेंगे, जैसे आप सऊदी अरेबिया, USA, जापान, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जुमले में चीज़ें आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक बदल सकते हैं, लेकिन जुमला क्या होगा, जैसे ही हैज़ बिन लिविंग इन जापान सिंस 2005 की जगह अगर आप 2000 भी कह सकते हैं, अगर आपको 2000 बोलना है, अगर आप 2022 बोलना चाह रहे हैं तो आप वो लिख लें। मैं अब घर जाना चाहता हूँ, लेट मी गो होम नाउ, अब मुझे घर जाने दिया जाए। या आप किसी को कहना चाह रहे हैं कि अब मुझे घर जाना है, तो आप कहेंगे लेट मी गो होम नाउ। मुझे कल तुम्हारा ख़त मिला था, या कल तुम्हारा मैसेज मिला था, आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे। तो अगर मैसेज है तो आई रिसीव्ड योर मैसेज यस्टरडे। दे वेंट टू पाकिस्तान लास्ट वीक, लास्ट वीक पिछले हफ्ते वो पाकिस्तान गए थे। दे वेंट टू पाकिस्तान, पाकिस्तान की जगह फिर से आप किसी भी कंट्री, किसी भी शहर का नाम यूज़ कर सकते हैं। लास्ट वीक की जगह आप कुछ और भी लिख सकते हैं, किसी और दिन का नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने किसी को दावत दी और उसने आने से इनकार कर दिया, तो आप किस तरह बोलेंगे इस बात को, आप कहेंगे शी हैज़ रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट माई इन्विटेशन, शी हैज़ रिफ्यूज्ड, उसने मना कर दिया है टू एक्सेप्ट कबूल करने से माई इन्विटेशन, मेरी दावत। मैं 2 घंटे से बेड पे लेटा हूँ, तो आप कैसे कहेंगे इस बात को, आई ले इन बेड फॉर 2 आवर्स, आई ले इन बेड फॉर 2 आवर्स। इसी जगह बहुत ज़्यादा सर्दी है और आप बाहर नहीं जा सकते, तो आप कैसे कहेंगे, इट बीइंग टू कोल्ड आई कुड नॉट गो आउट। मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू। आई जस्ट स्टार्टेड वर्किंग हियर, आई एम द न्यू। अब आप किसी जॉब का नाम लिख सकते हैं, आई एम द न्यू मेडिकल ऑफिसर, या आई एम द न्यू सर्वेंट, या कुछ भी, जो भी आप जिस भी पोस्ट पे हैं उसको आप लिख देंगे, आई जस्ट स्टार्टेड वर्किंग हियर, मैंने अभी यहाँ काम शुरू किया है। फिर अपनी पोस्ट का नाम लिख देंगे, आप इसमें लिख सकते हैं आई एम वर्किंग इन द मेडिकल डिपार्टमेंट, व्हाट डू यू डू हियर, तुम यहाँ क्या करते हो, मैं यहाँ मेडिकल के डिपार्टमेंट में हूँ। या उसकी जगह किसी और डिपार्टमेंट का नाम भी लिख सकते हैं, हाउसिंग डिपार्टमेंट में हूँ, किसी भी डिपार्टमेंट। हाउ इज़ एवरीथिंग, हाउ इज़ इट गोइंग। कॉमन वेज हैं कि आप किसी से पूछें हाउ आर यू, हाउ इज़ एवरीथिंग, हाउ इज़ इट गोइंग, कैसे जा रहा है सब। तो ये पूछने का यही तरीका है जैसे आप किसी से, किसी के बारे में दरियाफ़ कर रहे हैं कि वो कैसा है। अब आप किसी से पूछना चाह रहे हैं कि उसका वीकेंड कैसा गुजरा, ठीक है, तो इट्स नाइस टू आस्क ऑन अ मंडे इफ़ समवन्स वीकेंड वाज नाइस और
इंटरेस्टिंग, तो आप कैसे पूछेंगे? आप कहेंगे हाउ वॉज़ योर वीकेंड, हाउ डिड योर वीकेंड गो, तुम्हारा जो हफ्ता था, हफ्ते जो वीक एंड पे जो छुट्टियाँ थी। इफ समवन आस्क यू हाउ यू आर डूइंग, यू कैन रिस्पोंड दिस वे। अगर आपसे पूछे कि आप कैसे हो, हाउ यू आर डूइंग, आपने कहना है आई एम डूइंग फाइन थैंक्स, या आप कह सकते हैं नॉट बैड थैंक्स, या आप कह सकते हैं प्रीटी गुड थैंक्स। तो ये दो तीन तरीके हैं जिससे आप रिस्पोंड कर सकते हैं। अब किसी को गुड बाय कहना है तो कैसे कहेंगे? सी यू लेटर या सी यू टुमारो, दिस इज एन इनफॉर्मल बट पोलाइट वे ऑफ सेइंग गुड बाय टू समवन। When you are leaving on Friday, it's polite to tell people to enjoy their days off. Have a nice weekend. यानी अब Friday का दिन है और आप लोग एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, किसी job पे हैं, काम करके आप जा रहे हैं अपने घर, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे Have a nice weekend. अब आप चीज़ों के बारे में कैसे पूछेंगे कि कौन सी चीज़ें कहाँ रखी हैं, इसके asking का क्या तरीका है? Asking where things are, तो आप कहेंगे Where can I find the coffee maker? आपको कॉफ़ी मेकर नहीं मिल रहा, आप कहेंगे Where can I find the coffee maker? उसी कॉफ़ी मेकर की जगह अगर आपको किचन का रास्ता मालूम नहीं है, आप किसी नई जगह है, तो आप कहेंगे Where can I find the kitchen? Where can I find the gallery? इसी सेंटेंस को आप मुख्तलिफ चीज़ें रद्दो बदल करके यूज़ कर सकते हैं, एक्सचेंज करके वर्ड्स को। If you are not sure where a meeting will be held, you can use this question. आपको ये पता नहीं है मीटिंग कहाँ होने वाली है, तो आप इस तरह से सवाल पूछेंगे Where are we meeting? हम कहाँ मिलने जा रहे हैं, Where are we meeting? ठीक है, इसी तरह This is how you ask when you don't know where to put your coat, lunch, umbrella or something else you can brought into work like Where can I leave this? अब आप किसी जगह पे हैं, आपको पता नहीं है आप अपनी अम्ब्रेला कहाँ रखें या अपना लंच कहाँ रखें या अपना कोट कहाँ रखें, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे Where can I leave this? मैं इसे कहाँ रखूँ, Where can I leave this? इसी तरीके से आपको किसी की कोई चीज़ अच्छी लग रही है, पहनी हुई है उसने या उसके पास है, तो आप उसको कैसे एडमायर करेंगे, किस तरह से आप उसे बात करेंगे? आप कहेंगे आई लव योर शूज़, वेयर डिड यू गेट इट, या आप कहेंगे I love your necklace. Where did you get them? या get it, it or them, दोनों यूज़ कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि चीज़ एक है या तादाद में ज़्यादा है। इस तरह आप कंप्लीमेंट करेंगे उसको by saying in a nice about a person, make them feel good and asking a question afterwards, start a conversation. आप उसके बाद साथ ही सवाल भी कर रहे हैं आपने कहाँ से लिया है, तो एक conversation start हो जाएगी। अब आप किसी से मौसम के बारे में बात करते हैं, द वेदर इज़ ऑलवेज अ सेफ टॉपिक फॉर स्मॉल टॉक, यू कैन यूज़ दिस लाइन फॉर ऑलमोस्ट एनी काइंड ऑफ वेदर, इफ इट्स ब्यूटीफुल डे यू कैन से आई कैंट बिलीव हाउ हॉट और हाउ कोल्ड इट इज़ टुडे, आई कैन बिलीव हाउ नाइस इट इज़ टुडे। इस तरीके से आप मौसम से बात शुरू कर सकते हैं। इफ़ यू हैवंट मेट अ पर्सन येट, यू कैन आस्क देम व्हाट देयर रोल ऑफ एट द ऑफिस इज़, तो आप किस तरीके से आप पहली बार मिल रहे हैं उससे कैसे पूछ सकते हैं वो क्या करता है। सो व्हाट डू यू डू हेयर, सो व्हाट डू यू डू हेयर, सो व्हाट डू यू डू हेयर, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग हेयर, ये एक और अगला सवाल हो सकता है कि आप कब से यहाँ काम कर रहे हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग हेयर, दिस इज़ अनदर क्वेश्चन यू कैन आस्क टू स्टार्ट अ कन्वर्जेशन। अब आप लंच पे जा रहे हैं तो आप कैसे बात करेंगे, लेट्स गेट अ कॉफ़ी sometime, this is a casual way to suggest meeting for a quick coffee and maybe having a nice conversation, it doesn't have a specific time attached to it, it's just a general idea for the future ke let's get coffee, ya coffee ki jagah tea ho sakta hai ya burger ho sakta hai, koi bhi cheez, let's grab lunch, you can use this phrase to suggest going out for a quick lunch, let's grab lunch, I know a good place nearby. Use this sentence if you want to suggest a nice place to eat lunch. पहले आपने कहा उसको कि आपने कॉफ़ी की बात की, let's get a coffee sometime. और उसके बाद आपने उसे कहा let's grab lunch, ये एक दूसरा तरीका हो गया, I know a good place nearby. अब आप उसे convince कर रहे हैं कि वो आपके साथ चले, आपको कोई अच्छी जगह मौजूद है, ठीक है। Use this sentence if you want to suggest a nice place to eat lunch. Want to order out if you don't want to get out for lunch, this is how you ask if anyone want to order delivery. Want to order out, यानी कि आप उसको कहना चाह रहे हैं कि हम यहाँ भी मंगवा सकते हैं।
आप कहीं जा रहे हैं और आपको लगता है किसी को आपसे लिफ्ट चाहिए या उसे राइड की ज़रूरत है, तो आप उसे राइड कैसे ऑफर करेंगे? ऑफरिंग अ राइड, तो आप उसे कहेंगे नीड अ लिफ्ट, साथ क्वेश्चन मार्क है अगर आप लिख रहे हैं नीड अ लिफ्ट एंड नीड अ राइड। इफ़ यू आर ड्राइविंग होम फ्रॉम वर्क एंड समवन इज़ गोइंग इन योर डायरेक्शन, उसका भी वही रास्ता है, तो आप उसको इस तरीके से पूछ सकते हैं कि नीड अ लिफ्ट और नीड अ राइड। Thanks, I appreciate it. If someone offers you a ride, this is a polite way to accept it. अगर आपको कोई ride offer कर रहा है तो आप कहेंगे thanks, I appreciate it. आपने खुशी से उसकी दावत को, उस चीज़ को कबूल कर लिया है। I am good, but thanks for the offer. On the other hand, if you had rather decline, so no to getting a ride, you can say in this way. यानी आप उसको मना तो कर रहे हैं मगर बहुत ही polite way में कि वो बुरा भी ना मनाए। I am good, but thanks for the offer. मैं ठीक हूँ, ऐसे ही ठीक हूँ। इफ़ यू हैव अ मोमेंट आई वुड लव्ड योर थॉट्स ऑन दिस, दिस इज़ अ पोलाइट वे ऑफ आस्किंग योर बॉस और को वर्कर फॉर इम्पुट ऑन समथिंग यू रोट और डिड, उसके बारे में इजहार राय जानने के लिए। इफ़ यू हैव अ मोमेंट, आपके पास कुछ टाइम है, आई वुड लव योर थॉट ऑन दिस, मैं आपकी राय जानना चाहूँगा इस पर आपकी, ठीक है। नाउ इफ you are you want excuse me, you can say excuse me, can you please speak up, this is a polite way to ask someone to speak louder if you can't hear them. aapko awaaz nahi aa rahi, aap chahte hain wo thoda uncha bole ya dobara bole, to aap kahenge excuse me, can you please speak up. aap kisi se time confirm karna cha rahe hain meeting ka, to aap kaise karenge, do we still have that meeting after lunch, kya lunch ke baad wo meeting abhi bhi honi hai. Make sure you know when all the meetings are so you don't miss them. तो आप इस तरीके से उसको कन्फर्म कर सकते हैं, Do we still have that meeting after lunch? या कोई भी टाइम आप कह सकते हैं after 2 o'clock, after 3 o'clock, उसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं इस सेंटेंस में। Asking for help or clarification, आपको हेल्प चाहिए, आप कैसे कहेंगे किसी से, I don't understand this, can you please explain it? मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आप मुझे ये समझा देंगे? Don't be afraid to ask this question. It's better to understand everything completely than to think you understand and then waste time doing something the wrong way. आप गलत करने से बेहतर है किसी से पूछ लें। Let me see if I understand this. Say this sentence, then repeat when you just heard. This is a great way to show that you are paying attention and to make sure you understood everything correctly. I am having trouble with something. Do you know who can help me? मुझे इस चीज़ से मसला है या इस चीज़ मुझे प्रॉब्लम करी, क्या तुम्हें पता है मुझे किधर से हेल्प मिल सकती है? Before you ask someone for help, find out if they are the right person for the type of problem you are having. Do you have a minute? Before you ask for help, make sure the person isn't busy. Do you have a minute? Do you have a time? Do you have some few minutes? इस तरह के आप सेंटेंस बोल सकते हैं। Can you please repeat that if you didn't hear something? आपको सुनाई नहीं दिया कुछ। If you didn't hear something, you can ask the person to say it again. Can you please repeat that? If you still don't understand, you can also ask. Can you please rephrase that? पहले आपने कहा please repeat that और next आपने क्या कहा? Can you please rephrase that? Next is Are there any rules I should know about? Every job has its own rules and ways of doing things. But find out what they are so that you can follow them. मतलब आप किसी से पूछना चाह रहे हैं कोई खास रूल है यहाँ काम करने के, are there any rules I should know about? Any special rules or any rules? So friend, this is all about the English sentences which we use when we move or shift to any other place while we are on job. So this special video is for immigrants, and hope this video is very helpful for you. If you like this video, then press the like icon and also subscribe my channel, share this video and press the bell icon for more notification. And, thank you friends, Allah Hafiz, bye bye.